तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हम आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं 2023 मॉडल KTM Duke 125 का सबसे लेटेस्ट मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो मॉडल है ना, ये 2023 की एकदम बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ नए बदलाव देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो ग्राफिक्स है ना, वो भी पहले से चेंज हो चुकी है। और आपको बता दें कि KTM की तरफ से Duke 125 में आपको जो प्राइस मिलते हैं, वो भी पहले से 2023 में इंक्रीज हो चुके हैं। तो आज हम आपको इसी बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या नए चेंजेस देखने हैं, क्या नए बदलाव देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्यूक के लवर हैं, आप लोग ड्यूक 125 को लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर वीडियो चली हमारी मेहनत इसलिए, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे की वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ड्यूक आते हैं, इसका जो लुक मिलता है ना, ये पहले से ही काफी स्पोर्टी और काफी एग्रेसिव लगता है देखने में। लेकिन अगर आप लोग 2023 मॉडल पे आते हैं, तो इसका जो ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक के काउल पे आप देख सकते हैं Duke 125 जो लिखा हुआ मिलेगा, आपको नए ग्राफिक्स के साथ मिलती है, जो कि काफी बेहतरीन लगती है देखने में। तो आप लोग बताना कि ये जो नए आपको देख सकते हैं, जो ब्लू ऑरेंज और ब्लू और ऑरेंज और व्हाइट कलर में आपको इसकी जो ग्राफिक्स मिलती है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके मेन अपडेट के बारे में, तो आपको बता दें कि इसकी जो ग्राफिक्स है ना, वो पहले से चेंज हो चुकी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में, तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले अगर इसके एक्सोन प्राइस की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि इसकी जो प्राइस है ना, पहले से चेंज हो चुकी है। तो अब इस समय इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 179,120 रुपीज एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो लगभग आप मान के चले 210,000 से 212,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बतानी, ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस बताई है, जो की 2023 में Duke 125 की देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो चलिए हम आपको इसका फ्रंट से लुक दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसका जो फ्रंट से प्रोफाइल है ना, वही सेम आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आप देख सकते हैं शार्पनेस वाला लुक मिलता है। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको DRL मिल जाता है, और आपको बता दें कि इसमें अभी भी आपको LED हेडलैम्प देखने को नहीं मिलती, वही सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट इसमें LED हेडलैम्प हो जाता ना, तो और ज्यादा बेटर लगती देखने में। तो आप लोग बताना कि आप लोग को इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है, वही सेम आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वो आपको मिल जाता है WP Apex का सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलती है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को दे देती है। और आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि KTM के जो अलॉय मिलते हैं, आपको ऑरेंज कलर मिलते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वो मिलता है 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा अलॉय के साथ, जो कि आपको ऑरेंज का देखने को मिलती है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलती है, वही सेम आपको पहले वाला देखने को मिल रहा है, जो कि आपको मिलेगा 4 पिस्टन का आपको डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जिसकी साइज है 300 mm का डिस्प्ले के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS पहले भी मिलती थी, अभी भी आपको सेम देखने को मिल जा रही है। तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे, तो इसका जो लेफ्ट हैंडल बार आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्विचेस में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वही सारे स्विचेस देखने को मिल रहे हैं। तो स्विचेस वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को मिलता है। इसका जो साइड मिरर है, वो भी आपको पहले वाली देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको इंजन कूलर मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको पहले वाली मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो दोस्तों आपको सिंपल तरीके से बताएं, तो आपको मीटर कंसोल में इसमें आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रही है। और इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, उनकी बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आप गौर कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप इसे ऑन करेंगे, तो रेडी टू रेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है, इसमें आप देखेंगे तो टेम्परेचर भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मीटर कंसोल में आपको इसमें आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको मीटर कंसोल देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फुल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसका जो फुल टैंक है, आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलती है, लेकिन इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं, आपको बिल्कुल नई ग्राफिक्स मिलती है। तो आप लोग बताना कि ये जो नई ग्राफिक्स है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। और वहीं अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगा, वही सेम आपको 13.4 लीटर की देखने को मिलती है। तो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी आपको कोई इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो इसका जो सीट मिलता है ना, वही सेम आपको स्प्लिट सीट मिलती है। इसका जो सीट की कुशनिंग है ना, पहले से थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव देखने को मिल रही है। पहले जो राइडर सीट आता था ना, कंफर्टेबल था, लेकिन जो पिलियन राइडर सीट है ना, वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में इसका जो राइडर सीट, पिलियन राइडर सीट दोनों आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको स्प्लिट पिलियन ग्रेविल मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं KTM की बैचिंग मिल जाती है, कुछ अच्छे ग्राफिक के
साथ, तो आप लोग बताना कि इसका जो सीट निकल के आती है, इसका जो पिलियन ग्रैबिन मिलती है, इसका जो साइड प्रोफाइल है, आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका जो बॉडी फ्रेम मिलता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर मिलती है। पहले इसमें आपको ऑरेंज कलर मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको व्हाइट कलर में आपको बॉडी फ्रेम मिलती है, जो कि काफी बेहतरीन लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन वाइज, तो दोस्तों इस बाइक का जो इंजन मिलेगा वो आपको मिलता है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर क्विड कूल BS6 इंजन देखने को मिल जा रही है। और इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 14.3 bhp का 9250 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 12 न्यूटन मीटर का 8000 rpm पे। इसमें आपको जो इंजन वाइज मिलता है ना, इसमें आपको जो पावर मिलता है, टॉर्क जो मिलती है, वही सेम आपको मिलती है इंजन वाइज। इस बाइक में आपको 1% का चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से, रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो रियर प्रोफाइल है ना, वो भी आपको पहले वाले मिलती है, जो कि आपको काफी स्पोर्टी देखने को मिल रही है। तो इसके रियर प्रोफाइल में भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, वही सेम आपको LED टेल लाइट देखने को मिल रही है। तो आप लोग बताना कि इसका जो रियर से लुक है ना, आप लोगों को कैसा लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर ब्रेक है ना, वो भी आपको पहले वाली मिलती है। और आपको बता दें कि मैंने आपको पहले आपको बताया सिंगल ABS मिलता है, तो आपको बता दें कि ये जो ABS नहीं है, ये इसका RLP पैनल है। तो आपको बता दें कि इसमें आपको सिंगल ABS ही मिलता है। इसमें आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि ये इसका ABS मॉडल है, ये इसमें आपको सिंगल ABS मिलता है, ये इसका RLP पैनल है, जिसे हम लोग रियर व्हील लिफ्टिंग पैनल के नाम से जानते हैं। इसका यूज आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो आपको जो रियर व्हील होता है ना, वो उठने लगता है, उसे ये उठने से कंट्रोल करती है। और इसका जो रियर टायर है, वो भी आपको सेम साइज का मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 150/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है। और इसका जो रियर सस्पेंशन है, वो आप देख सकते हैं, वही सेम आपको सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे और ज्यादा बेहतरीन कंफर्ट देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के फीचर्सिफिकेशन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो कर्वेट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 159 kg। इसका जो लेंथ निकल के आ रहा है, वो निकल के 1993 mm का। इसका जो हाइट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1083 mm का। तो दोस्तों इस बाइक के डायमेंशन वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा 2023 मॉडल में। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इसके डायमेंशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। और आपको बता दें कि इस पूरी बाइक में आपको कहीं भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन चेंजेस देखने को मिलता है ना, आपको इसके बॉडी में देखने को मिलती है। फीचर्स वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थे न्यू KTM ड्यूक 125 की वीडियो, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसके बारे में जो डिटेल थे, वो भी मैंने आपको दे दिया, और साथ ही साथ इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि KTM ड्यूक का ये जो नया ग्राफिक्स मिल रहा है, ये आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ ये वीडियो जो है ना, आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, बाइक अच्छी लगी, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करें, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारी इंस्टाग्राम ID हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।